हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो गाइस, व्हाट्स अप। तो आज हम बात करने वाले हैं जर्नियस के बारे में। तो गाइस, जर्नियस की रेट्स आने वाली है, तो जर्नियस के बेस्ट काउंटर क्या होंगे और गाइस जर्नियस को रेट से कैसे पकड़ सकते हैं, बिना रेट्स के कैसे पकड़ सकते हैं, सारे टॉपिक हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी हम लोग बेस्ट मूव सेट के बारे में बात नहीं करेंगे इतना, क्योंकि उसके बारे में अभी इतना कुछ रिवील नहीं हुआ है गाइस। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोल दूँ आप लोगों को कि आप लोग सोच रहे हैं कि जर्नियस जो पोकेमोन है वो मतलब अब बेकार हो गया है, काम का नहीं है। तो यहाँ पर मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है गाइस कि जो जर्नियस है वो शायद से अब नेक्स्ट क्रिसिलिया बन सकता है, जो कि मास्टर लीग में यूज़ हो। अब आप खुद देखो, क्रिसिलिया के पास क्या है? साइको कट। साइको कट एक ऐसा अटैक है जिसका डैमेज मतलब निग्लिजिबल है गाइस, मतलब वो सुपर इफेक्टिव होता है पॉइजन टाइप पर, बट अकेला साइको कट कुछ नहीं कर पाता गाइस। वहीं पर गाइस साइको कट के साथ जब मून ब्लास्ट आता है तो वो पोकेमोन की एक मतलब जान बन जाती है गाइस। तो वहीं पर मेरे ख्याल से जर्नियस भी एक काफ़ी स्ट्रांग पोकेमोन हो सकता है जिसका काफ़ी अच्छा डिफेंस हो। दूसरी बात अगर देखी जाए, कोई भी पॉइजन टाइप पोकेमोन आपको नहीं मिलने वाला है मास्टर लीग में ईजिली गाइज। और स्टील टाइप की बात देखी जाए तो गाइज वहाँ पर सिर्फ तीन ही मेन स्टील टाइप पोकेमोन है। एक तो आपका हो गया गाइज डियाल्गा, डियाल्गा से बच के रहना पड़ेगा, बट अगर डियाल्गा का मून ब्लास्ट पड़ता है उस पर तो वो भी न्यूट्रल डैमेज करेगा। वहीं पर दूसरा है मेटाग्रोस। मेटाग्रोस इज़ रियली अ डेंजरस। तो मेटाग्रोस अगर आ गया तो भैया भागन में भलाई है। और उसके बाद लास्ट है गाइस मेल मेटल। तो मेल मेटल के पास ऐसा कोई अटैक नहीं है जो कि जर्नियस को ख़त्म कर दे। उसके रॉक स्लाइड हो गए, सुपर पावर हो गए, ये दोनों वो आराम से बियर कर सकता है। अब बात करते हैं गाइस रेट्स के बारे में। रेट से पहले हम बोल दें कि बिना रेट्स के भी इसको हम पकड़ सकते हैं। अगर आपकी रैंक 20 हो चुकी है जीबीएल में तो आप इजीली इसको कैच कर सकते हैं। और गाइज इसका बूस्टेड वेदर क्या होगा कमेंट कर देना। फेरी टाइप पोकेमोन का बूस्टेड वेदर क्या होता है गाइज, जिन लोगों को पता है वो कमेंट कर देना, जिन लोगों को नहीं पता वो कमेंट्स पढ़ लेना गाइज, ठीक है। गाइज अब बात करते हैं बेस्ट काउंटर्स के बारे में। अभी गाइज मेगा एवोल्यूशन चल रहा है, तो एक नहीं दो नहीं तीन ऐसे मेगा एवोल्यूशन है गाइज जो कि जर्नियस से टक्कर ले सकते हैं। सबसे पहला गाइज आपका आता है गेंगार। पहला है और सबसे बेहतरीन गाइज गेंगार ही है, बेस्ट काउंटर रहेगा मेगा गेंगार गाइज। उसके अटैक करेंगे लिक एंड स्लज बॉम्ब। अगर किसी कारण आपके पास गेंगार्स की मेगा एनर्जी नहीं है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं बीड्रिल, मेगा बीड्रिल गाइज, जिसके मूव सेट सबसे बेस्ट है गाइज पॉइजन जैब एंड स्लज बॉम्ब। ये अटैक्स आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। उसके बाद गाइज हम बात करते हैं गाइज तीसरे मेगा एवोल्यूशन के बारे में, जो कि है गाइज आपका विनासोर। उसके पास वाइन वेब है और स्लज बॉम्ब है। तो इनमें जो बेस्ट रहेगा वो आपका गाइज मेगा गेंगार रहेगा। और उसके बाद अगर आपके पास मेगा गेंगार है और बाकी के जो पांच पोकेमोन्स होंगे वो आपके रहेंगे मेटाग्रोस। अभी मेगा मेटाग्रोस आया नहीं है, जब आएगा तो फिर मेगा मेटाग्रोस की भी अलग बात है, फिर तो तब देखा जाएगा। तो गाइज ये है इसके बेस्ट काउंटर्स, ठीक है। अभी बात की जाए गाइस कि मतलब अगर ये रेट्स में आप पकड़ नहीं पाए तो कैसे पकड़ेंगे। मैंने आपको बता दिया कि आपको रैंक 20 करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रैंक 20 करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, या फिर जो लोग रैंक 20 पे हैं उनको एस पे जाने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है गाइस। तो उन लोगों के लिए गाइस ये वीडियो लगा दी है मैंने, ये गाइस वीडियो देख लेना, राइट साइड में ऊपर वाली जो वीडियो है इसी में गाइस एस पे जाने की टेक्निक है गाइस। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।